एक नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PRSC टीम पर। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की तरफ से जो CBS का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम है, BSc ऑनर्स और MSc डुअल डिग्री का ये कोर्स है जो कि PRSC की तरफ से कराया जाता है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था वो 2 मई को आपने भरा था और इसका क्लोजिंग डेट था 31 मई। एडमिट कार्ड आपने 6 जून को जो है डाउनलोड किया था और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने 10 जून को यूनिवर्सिटी में आकर दिया था और आपका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। 17 जून को ये रिज़ल्ट डिक्लेरेशन हो गया था, जिसका वीडियो मैंने अलग से बना दिया था और रिज़ल्ट भी उसमें मैंने लिंक डाल दिया है, जिसको डाउनलोड करके आप अपना नाम चेक कर सकते हो। अब इसका जो काउंसलिंग डेट है वो 28 जून को जनरल कैटेगरी वालों के लिए रखा गया है और 30 जून को जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, OBC, ST, SC और EWS कैंडिडेट जो भी है, इन सभी के लिए जो है काउंसलिंग डेट रखा गया है। एक बार फिर से मैं आपको काउंसलिंग डेट बता देता हूं। 28 जून को जनरल कैटेगरी वाले यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे, 30 जून को जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपना काउंसलिंग करवाएंगे और साथ में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी को ले जाएंगे, जैसे कि 10th सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट। 12th में आपको माइग्रेशन कैरेक्टर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको TC बोलते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको ले जाना इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका जो भी एग्ज़ाम फॉर्म आपने जब भरा था और आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहा होगा, वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाने हैं। साथ में आपको फ़ीस पेमेंट करने के लिए पैसे, अगर कैश आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कैश ले जाएंगे या फिर डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड लेके जाएंगे। ये सारे चीज़ आपको नहीं भूलना है, इसके माध्यम से ही आपका PRSC में एडमिशन हो पाएगा। अब इसमें सिर्फ डेट ही बताया गया है, टाइम हो सकता है कि आपको मैसेज में बता दिया जाए या फिर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या फिर मैसेज के जरिए या फिर कॉल के जरिए, किसी भी के जरिए आपको बताया जा सकता है या फिर ईमेल के जरिए भी आपको बताया जा सकता है। तो आप अलर्ट रहिएगा और आपको काउंसलिंग में ज़रूर पहुंचना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा रैंक कम है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। हो सकता है अगर कोई अपना सीट छोड़ता है तो आपको उसके जगह में रख लिया जाए, तो काउंसलिंग में ज़रूर पहुँचेगा। 28 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, उस दिन मैं आप सभी से नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन 30 तारीख को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो अगर बनता है तो मैं आप सभी से ज़रूर मिलूँगा।